तो अब हम डिस्कस करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर को। तो लेक्सिकल एनालाइजर को हम स्कैनर भी बोलते हैं और सिंटेक्स एनालाइजर को हम पार्सर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेज को अब हम डिस्कस करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर। ये क्या होगा? ये आपका एक स्कैनर होगा जो कि आपके सोर्स प्रोग्राम या हाई लेवल प्रोग्राम को स्कैन करेगा, और अगर उसको वहां पर कोई मीनिंगफुल सिक्वेंस ऑफ करेक्टर मिल जाता है तो उसको टोकन जनरेट करेगा। यानी ये लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करेगा, और स्कैन करने के दौरान अगर उसको कोई भी मीनिंगफुल ऑफ करेक्टर मिल जाता है तो वो उसको टोकन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर ये जो है लेक्सिम्स को लेगा, लेक्सिम्स क्या है, लेक्सिम्स है आपका मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, और उस लेक्सिम्स को एक पैटर्न से मैच करेगा, और अगर आपका लेक्सिम्स पैटर्न से मैच हो जाता है तो वो उसके लिए टोकन जनरेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर ये लिख देते हैं इंट ए, तो यहां पर क्या करेगा ये इसको स्कैन कर रहा है, तो इस समय पर ये लेक्सिम्स हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये इंट क्या है, इंट आपका ऑलरेडी कंपाइलर में स्टोर होगा, तो ये आपका ये लेक्सिम्स है, और ये देखिए मैचिंग कर रहा है यहां पर। सबसे पहले आई आएगा, फिर ये डीएफएम इसके लिए बना रहे हैं, फिर ये एन आएगा, फिर इसके बाद आपका टी आएगा, और टी के बाद अगर इसको ये ब्लैंक स्पेस मिल जाता है तो ये यहां पर स्टॉप हो जाएगा और इसके लिए आपका टोकन क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपका ये पैटर्न जो है, क्योंकि आपका ये जो लेक्सिम्स है ये उस पैटर्न से मैच हो चुका है, तो यहां पर इस इंट के लिए आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। उसी तरीके से फिर ये क्या है, ये आपका एक आइडेंटिफायर है, तो इस आइडेंटिफायर ए के लिए टोकन जनरेट कर देगा। देन ब्लैंक स्पेस, जैसे ही ब्लैंक स्पेस मिलेगा तो ये लेक्सिम्स या मीनिंगफुल सिक्वेंस ऑफ करेक्टर आपका एक पैटर्न से मैच कर चुका है, तो इसके लिए आपका ये टोकन जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद में ये क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा आई एन टी ए देन सेमीकोलन। जैसे ही इसको सेमीकोलन मिलेगा तो ये इसको पता लग जाएगा कि ये आपका एक आइडेंटिफायर है, तो ये जो लेक्सिम्स है ये आपका एक पैटर्न से मैच कर चुका है, तो आपका ये इसके लिए भी टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है ना। और ये जो आपका जो सेमीकोलन है इसके लिए भी आपका एक टोकन जनरेट होगा। तो ये क्या कर रहा है, यहां पर लेक्सिम्स को ले रहा है। लेक्सिम्स क्या है, लेक्सिम्स आपका ये स्कैनिंग, जब ये आपके सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करेगा तो ये मीनिंगफुल करेक्टर को लेगा या मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ करेक्टर को लेगा। तो ये आपका एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ करेक्टर को लिया और उसको चेक करेगा जो आपके कंपाइलर में पहले से सेव पैटर्न होंगे, और अगर ये मीनिंगफुल करेक्टर ऑफ और अगर ये मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ करेक्टर आपका किसी पैटर्न से या ये लेक्सिम्स किसी पैटर्न से मैच कर जाएंगे तो वहां पर वो इसको टोकन को बना देगा, और अगर आपका ये लेक्सिम्स किसी भी पैटर्न से मैच नहीं हो रहे हैं तो वहां पर वो एरर प्रोड्यूस करेगा, और वो एरर हो जाएगा आपका लेक्सिकल एरर, ठीक है ना। तो लेक्सिकल एरर आपका प्रोड्यूस होगा अगर आपका लेक्सिम्स किसी भी पैटर्न से मैच नहीं हो रहा है। और यहां पर जो जो ये आप मैचिंग कर रहे हैं उसमें आप लॉन्गेस्ट मैच वाला रूल लेंगे, क्योंकि देखिए एक आपका ऑपरेटर हो सकता है ए प्लस बी, दूसरा ऑपरेटर हो सकता है प्लस प्लस ए, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस प्लस ऑपरेटर को लेगा, देन उसके बाद आगे भी हम चेक करेंगे कि कहीं आगे आपका दूसरा प्लस तो नहीं है। अगर आगे आपका दूसरा प्लस नहीं है तब तो ये केवल इस सिंगल प्लस के लिए टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपको आगे फिर से एक और प्लस मिल जाता है तो अब टोकन जनरेट होगा इस प्लस प्लस के लिए। तो ये लॉन्गेस्ट मैच आप यहां पर चेक करेंगे, तो अगर आपका पैटर्न अगर आपका लेक्सिम्स किसी एक पैटर्न से मैच भी हो जाता है तो फिर भी हम आगे जाकर उसको चेक करेंगे कि कहीं ये दूसरे लॉन्गेस्ट पैटर्न से तो मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए पैटर्न क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस भी आपका एक पैटर्न है और प्लस प्लस भी एक पैटर्न है, तो हम इस लॉन्गेस्ट के लिए मैच करेंगे। अगर ये लॉन्गेस्ट के लिए मैच नहीं होगा तब हम इसके लिए टोकन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर लॉन्गेस्ट मैच के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, अगर लॉन्गेस्ट मैच यहां पर नहीं हो रहा है तो फिर हम वहां पर प्लस के लिए टोकन जनरेट करेंगे। तो अब हम फर्स्ट फेज डिस्कस कर रहे हैं लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम को लेगा एज ए इनपुट में और उसको स्कैन करेगा। तो स्कैन करने के बाद वो मीनिंगफुल वर्ड्स या मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को टोकन्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उन टोकन्स को सेंड करेगा इस पार्सर के पास, ठीक है। यहां पर अगर इन दोनों फेजेस में अगर इनको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि कंपाइलर को नोन नहीं है, कंपाइलर के लिए थी, तो उन इंफॉर्मेशन को ये जो है सिंबल टेबल में स्टोर करेगा। और अगर कोई भी एरर आती है तो यहां पर एक और मॉड्यूल होता है एरर हैंडलर, वो एरर हैंडलर यहां पर अगर कोई एरर आएगी तो उसको हैंडल करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर दो मॉड्यूल आपके पैरेलल चल रहे होते हैं। देखिए सभी फेजेस के पास ये दो मॉड्यूल होते हैं, सिंबल टेबल और एरर हैंडलर। अगर आपको किसी भी फेज में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको सिंबल टेबल में स्टोर कर देंगे, और अगर आपको किसी भी फेज पर कोई भी एरर आती है तो उसको ये एरर हैंडलर आपका हैंडल करेगा। और आपका जब ये टोकन्स लेक्सिकल
एनालाइजर टोकन स्ट्रीम को सेंड करेगा इस पार्सर को, तो पार्सर क्या करेगा, एक पार्स ट्री जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये सिंटेक्स एनालाइजर उन टोकन के बेसिस पर, उस टोकन स्ट्रीम के बेसिस पर आपको एक पार्स ट्री जनरेट करेगा, और वो पार्स ट्री फिर जाएगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर के पास, और सिमेंटिक एनालाइजर उसको सिमेंटिक कंसिस्टेंसी के लिए चेक करेगा कि वो पार्स ट्री आपका मीनिंगफुल है या नहीं है, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम को स्कैन कर रहा है, और जो स्कैन कर रहा है तो उसमें उसको सीक्वेंस ऑफ करेक्टर मिलेंगे, और उन सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को हम यहाँ पर लेक्सिम्स बोल रहे हैं। तो आपके सोर्स प्रोग्राम को ये स्कैन कर रहा है, और स्कैन करने के ड्यूरेशन में ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को मैच कर रहा है एक पैटर्न से, या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को ही हम लेक्सिम्स बोलते हैं। तो ये लेक्सिम्स को मैच कर रहा है एक पैटर्न से, और पैटर्न आपके कंपाइलर में पहले से ही सेव होंगे, ठीक है ना। जैसे कीवर्ड्स के लिए, कीवर्ड्स के लिए आपका पैटर्न सेव होगा, इफ कीवर्ड के लिए पैटर्न सेव होगा, व्हाइल के लिए सेव होगा, फॉर के लिए सेव होगा, तो आपका पैटर्न आपका सेव होगा, लेक्सिम्स को पैटर्न से मैच करेगा, और अगर लेक्सिम्स पैटर्न से मैच हो जाएगा तो फिर उसके लिए ये आपका टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये तो इसको हम बोलेंगे लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये आपका लेक्सिकल एनालाइजर इस काम को करेगा, और इसके अलावा ये कुछ और काम भी करेगा, जैसे कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई कमेंट लाइन है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी कमेंट लाइन है तो ये उस कमेंट लाइन को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी कमेंट लाइन होगी तो ये लेक्सिकल एनालाइजर उन कमेंट लाइन को रिमूव कर देगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कमेंट लाइन के लिए कोई भी टोकन क्रिएट नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगर आपके प्रोग्राम में आपने कोई भी व्हाइट स्पेस करेक्टर यूज किया है तो ये उस व्हाइट स्पेस करेक्टर के लिए कोई भी टोकन जनरेट नहीं करेगा। तो टोकन जनरेट आपका नहीं होगा कमेंट के लिए, और टोकन जनरेट आपका नहीं होगा व्हाइट स्पेस करेक्टर के लिए। अब व्हाइट स्पेस करेक्टर क्या होते हैं, व्हाइट स्पेस करेक्टर आप बोल सकते हैं ब्लैंक स्पेस जैसे कि हो गया, या टैब हो गया, या न्यू लाइन करेक्टर हो गया, ये सभी आपके व्हाइट स्पेस करेक्टर है। इसके साथ साथ ये एक काम और करता है कि अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में आपने कंसेक्यूटिव व्हाइट स्पेस करेक्टर को यूज किया हुआ है तो ये उसको कॉम्पैक्शन कर देगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये क्या आपका डिलीशन ऑफ कमेंट करेगा, कमेंट्स को डिलीट करेगा, एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव व्हाइट स्पेस करेक्टर इनटू वन, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने प्रोग्राम में दो बार ब्लैंक स्पेस यूज किया या तीन बार ब्लैंक स्पेस यूज किया तो इसको ये कॉम्पैक्शन करेगा, इसको कॉम्पैक्ट करके वन ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे टोकन की बात करते हैं तो यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि सभी कीवर्ड्स के लिए आपका एक टोकन बनेगा, ठीक है ना, वन टोकन फॉर ईच कीवर्ड, ठीक है ना। जैसे इफ कीवर्ड के लिए आप टोकन बनाएंगे, या मान लीजिए आपका एल्स हो गया तो एल्स के लिए आप एक टोकन बनाएंगे, या आपका व्हाइल हो गया व्हाइल के लिए आप एक टोकन बनाएंगे, या हमने फोर ले लिया फोर के लिए भी आप एक टोकन बनाएंगे, क्योंकि फोर क्या है आपका एक कीवर्ड है। तो ये पैटर्न ऑलरेडी कंपाइलर में सेव होगा तो हम इसको फिर मैच करेंगे, मान लीजिए आपका एफ आता है, देन इसके बाद आपका ओ आता है, देन इसके बाद आपका आर आता है, तो ये लेक्सिम्स एक पैटर्न से मैच हो चुका है, फोर के लिए आपका एक टोकन क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर ईच कीवर्ड्स ये आपका एक टोकन जनरेट करेगा, तो वन टोकन फॉर ईच कीवर्ड। इसके अलावा आपके जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी ऑपरेटर्स के लिए एक एक टोकन जनरेट करेगा, ठीक है ना। जैसे प्लस ऑपरेटर हो गया तो प्लस के लिए आपका ये टोकन जनरेट करेगा एक, या मान लीजिए आपका प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के लिए एक टोकन जनरेट करेगा, इज इक्वल टू के लिए आपका एक टोकन जनरेट करेगा ये, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर के लिए आपका एक टोकन जनरेट करेगा, तो जितने भी ऑपरेटर है उन सभी ऑपरेटर्स के लिए ये आपका ये इंडिविजुअली टोकन जनरेट करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जितने भी आइडेंटिफायर होंगे उन सभी आइडेंटिफायर्स के लिए ये आपका एक टोकन जनरेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया इंट ए, तो आपका एक टोकन इंट के लिए जनरेट होगा और एक टोकन आपका इस आइडेंटिफायर ए के लिए जनरेट होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका एक टोकन जनरेट होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी पंक्चुएशन सिंबल्स के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा, जैसे कि लेफ्ट ब्रैकेट हो गया, राइट ब्रैकेट हो गया, कॉमा हो गया, या आपका ये सेमी कोलन हो गया। और एक चीज और यहां पर आप नोट कीजिए कि कॉन्स्टेंट के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा, ठीक है ना, एक पूरे कॉन्स्टेंट के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा, या नंबर के लिए आप एक टोकन जनरेट करेंगे, या मान लीजिए आपकी लिटरल स्ट्रिंग है तो लिटरल स्ट्रिंग के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ये डबल कोट्स में लिख दिया तो ये डबल कोट्स के अंदर नहीं जाएगा, ये जो कंपाइलर जो है, ये जो लेक्सिकल एनालाइजर जो यहां पर हो रही है, जो स्कैनिंग हो रही है, ये इस डबल कोट्स के अंदर नहीं जाएगा, इस पूरे लिटरल के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई नंबर यूज किया है 600, तो इंडिविजुअल डिजिट के लिए आपका टोकन जनरेट नहीं होगा, इस पूरे नंबर के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा।
होगा, जैसे कि मान लीजिए हम लिख देते हैं int a इज इक्वल टू 100 देन सेमीकोलन, तो एक टोकन int के लिए जनरेट होगा, दूसरा इस आइडेंटिफायर के लिए जनरेट होगा, इस ऑपरेटर के लिए जनरेट होगा, और इस पूरे डिजिट के लिए एक टोकन जनरेट होगा, और इस पंक्चुएशन मार्क के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा। तो इस तरीके से टोकन जनरेट करेगा, एक सिंगल डिजिट के लिए टोकन जनरेट नहीं होगा, इस पूरे नंबर के लिए आपका टोकन जनरेट होगा।